फेसलेस एसेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही टीएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाए एनुअल फीस पर छह हजार रूपए की छूट टोटल फीस अठारह हजार रूपए फॉर क्लासेस इलेवन साइंस कॉमर्स आर्ट नो एडमिशन फी नो लैब फी फ्री एक्टिविटी नमस्ते जी देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों बीते छह वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक सिक्योरिंग द अनसिक्योर और फंडिंग द अनफंडेड आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है ऑनरिंग द ऑनेस्ट ईमानदार का सम्मान देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है वो आगे बढ़ता है तो देश का भी विकास होता है देश भी आगे बढ़ता है साथियों आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है ये देशवासियों के जीवन से सरकार को सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है साथियों आज हर नियम कानून को हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं आज हर किसी को यह एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पर लिखा जाता है शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है वो दौर अब पीछे चला गया है अब देश में माहौल इस और आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है क्या ये सिर्फ शक्ति से आया है क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है जी नहीं बिल्कुल नहीं इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो चार बड़े कारण है पहला पॉलिसी ड्रिवेन गवर्नेंस जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है दूसरा सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास तीसरा सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग आज सरकारी खरीद हो सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं और चौथा हमारी जो सरकारी मशीनरी है जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है पुरस्कृत किया जा रहा है साथियों एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे अब यह सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो टुकड़ों में नहीं हो होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में देश में डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले एक नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 है रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी नवक, निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है साथियों भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का यह सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए लेकिन लार्जली सिस्टम का करैक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा परिणाम यह हुआ कि जो टैक्सपेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्भ के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहा गठजोड़ की गांठ की व्यवस्था बन गई इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया साथियों जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है कम से कम कानून हो जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं अब जैसे दर्जनों टैक्सीस की जगह जीएसटी आ गया रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है यही नहीं पहले दस लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी अब हाई कोर्ट में एक करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में दो करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई, गई है विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश यह है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब तीन लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है साथियों प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है पांच लाख रुपए की आय पर अब टैक्स जीरो है बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स व वा लेने वाले देशों में से एक हैं साथियों कोशिश यह है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो पेनलेस हो फेसलेस हो सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं साथियों अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है स्क्रूटिनी हो नोटिस हो सर्वे हो या फिर जब्ती हो इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है अब यह भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है अब स्क्रूटनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आमंत्रित किया जाएगा अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानबीन का जिम्बा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए गुवाहाटी चला जाए रायपुर चला जाए अहमदाबाद चला जाए वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहाँ से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर कहीं जयपुर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा कोची हो जाएगा वहां की टीम करेगी अब फेसलेस टीम कौन सी होगी इसमें कौन होगा यह भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा और यह प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा साथियों इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे डिपार्टमेंट को इससे लाभ यह होगा कि अनावश्यक मुक, मुकदमेबाजी बचेंगे उससे दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी साथियों इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है टैक्सपेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है गिने चुने देश है लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है अब टैक्सपेयर को उचित विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक्ति नजर से नहीं देख सकता अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का का भी अधिकार दिया गया है साथियों अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है कर्तव्यों के साथ आते हैं इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना यह कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है बल्कि यह दोनों का दायित्व है जिम्मेवारी है कर्तव्य है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्सपेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है वहीं सरकार का यह दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं तो देश भी हर टैक्सपेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है साथियों देशवासियों पर भरोसा इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है यह समझना भी बहुत जरूरी है वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94 परसेंट की स्क्रूटनी होती थी वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब एक चौथाई हो गई है चार गुना कम हुई है स्क्रूटनी का चार गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है साथियों बीते छह वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज टैक्सेस डिक्रीज लिटिगेशन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर साथियों इन सारे प्रयासों के बीच बीते छह सात साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में यह बहुत कम है बहुत कम है इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से डेढ़ करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं 130 करोड़ में डेढ़ करोड़ मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है देश को आत्मचिंतन करना होगा और यह हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है अनिवार्य है और यह जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है हर, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे आगे आए और अभी दो दिन के बाद पंद्रह अगस्त है आजादी के लिए मर मिटने वालों को जरा याद कीजिए आपको लगेगा हां मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए आइए विश्वास के अधिकारों के दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें एक बार फिर देश के वर्तमान और भावी ईमानदार टैक्स पेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं और ये पहल ये बहुत बड़ा फैसला दिया गया है इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी जितनी बधाई दे उतनी कम है हर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बधाई देनी चाहिए क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर बंधन डाले हैं अपने खुद की ताकत को अपने आप अप, अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा हर देशवासी को गर्व होना चाहिए और पहले के जमाने में शायद टैक्स के कारण कुछ समस्याएं होगी लोगों ने टैक्स देने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरफ जाने का आकर्षक रास्ता बना है और इसलिए आइए भव्य भारत के निर्माण के लिए इस व्यवस्था का लाभ भी उठाएं और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आगे भी आए मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक के बाद एक देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए लंबे अरसे तक प्रभाव पैदा करने वाले अनेक सकारात्मक निर्णयों का नेतृत्व कर रहे हैं मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूँ सबका धन्यवाद करता हूँ